बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं गणित में ज्यामिति आकृतियों में समरूपता, सिमिलरिटी इन ज्योमेट्रिकल शेप्स। हमने बच्चों इसमें लगभग चार भाग पढ़ लिया है, चार क्लास हमने कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे बच्चों पांचवा भाग, और पांचवा भाग में देखेंगे अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो चार भाग तक के हो गए थे उनसे आगे के प्रश्नों को। तो आइए बच्चों बिना देर के शुरू करते हैं चौथा भाग, सॉरी पाँचवा भाग, और पाँचवा भाग का पहला प्रश्न। प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी समकोण है तथा क्यू आर पर बिंदु एम इस प्रकार स्थित है कि पी एम लम क्यू आर। दर्शाइए कि पी एम स्क्वायर इक्वल क्यू एम इंटू एम आर। एक बार और समझेंगे बच्चों प्रश्न को। एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी समकोण है तथा क्यू आर पर बिंदु एम इस प्रकार स्थित है कि पी एम लम क्यू आर। दर्शाइए कि पी एम स्क्वायर इक्वल क्यू एम इंटू एम आर। बच्चों प्रश्न में दिया है, क्या क्या दिया है बच्चों? दिया है त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर में कोण पी बराबर समकोण। कोण पी कैसा है? समकोण है, अर्थात 90 अंश का है। ये कोण पी समकोण है तथा पी एम लंब है, पी एम लंब है आर क्यू पर या क्यू आर पर, ये हमको दिया है प्रश्न में। इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों? कोण पी एम आर बराबर हो जाएगा कोण पी एम क्यू बराबर 90 अंश। पी एम क्यू और पी एम आर बराबर हो जाएगा बच्चों 90 अंश। अब चलते हैं बच्चों उपपत्ति में त्रिभुज। सबसे पहले हम चलेंगे पी क्यू आर में, सबसे पहले हम चलेंगे पी क्यू आर, बड़ा त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, जहाँ पर हम देखेंगे पी क्यू आर में कोण क्यू पी आर बराबर 90 अंश, कोण क्यू प्लस कोण आर बराबर 90 अंश। हम इसे हम मान लेते हैं समीकरण पहला, कोण क्यू और कोण आर बराबर 90 अंश, इसे हम समीकरण पहला मान लेते हैं। अब हम चलते हैं त्रिभुज पी एम आर की ओर, और पी एम आर में देखते हैं कि कोण पी एम आर बराबर 90 अंश, कोण पी एम आर बराबर 90 अंश, अर्थात कोण आर प्लस कोण आर पी एम बराबर हो जाएगा 90 अंश। और इसे हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, समीकरण पहला व दूसरा से कोण क्यू प्लस कोण आर बराबर कोण आर प्लस कोण आर पी एम, क्योंकि दूसरा पक्ष 90 अंश से बराबर हो जाएगा बच्चों, इसलिए पहले पक्षों की तुलना कर देंगे। अब यहाँ देख रहे हैं कोण आर क्या हो गया, कट गया, बचा गया कोण क्यू बराबर कोण आर पी एम। इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब हम देखेंगे त्रिभुज पी एम आर व त्रिभुज पी एम क्यू में, त्रिभुज पी एम आर और पी एम क्यू में कोण पी एम आर बराबर होगा कोण पी एम क्यू का तथा कोण आर पी एम बराबर होगा कोण क्यू का। इसलिए त्रिभुज पी एम आर समरूप होगा त्रिभुज पी एम क्यू के। और समरूपता की शर्तें क्या है बच्चों? भुजाएं संगत भुजाएं अनुपातिक होती है। बराबर हो जाएगा बच्चों पी आर बटे पी क्यू बराबर आर एम बटे पी एम बराबर पी एम बटे हो जाएगा क्यू एम। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं हैं और संगत भुजाएं अनुपातिक होते हैं। आर एम बटे पी एम बराबर पी एम बटे क्यू एम। त्रिज्या गुणा कर देंगे बच्चों यहाँ पर, पी एम का गुणा हो जाएगा पी एम से, ये इस तरह से बराबर आर एम का गुणा हो जाएगा क्यू एम से, पी एम स्क्वायर हो जाएगा, पी एम पी एम का गुणा होगा पी एम स्क्वायर हो जाएगा बराबर क्यू एम इंटू एम आर, जो हमको सिद्ध करना था यही प्रश्न दिया हुआ था और हमारा ये सिद्ध हो गया। अगला प्रश्न है बच्चों,
एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 2A है, उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक बार और सुनेंगे बच्चों, एक समबाहु त्रिभुज की एबीसी की भुजा 2A है, उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। बच्चों प्रश्न में दिया है एक समबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज की भुजा 2A है, तो 2A सभी तरफ हो जाएगा बच्चों। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं 2A है, तो इस तरह से हमने इनकी भुजाओं की लंबाइयां यहां पर दर्शाया हुआ है चित्र में, 2A सभी भुजाओं की लंबाइयां हैं। अब माना त्रिभुज ABC में तीनों भुजाएं बराबर है, ये समबाहु त्रिभुज है तो निश्चित रूप से बराबर ही होगा, और सभी भुजाओं का माप 2A दिया हुआ है, और हमें AD लंब है, कहाँ पर है बच्चों लंब, ये BC पर है। चूँकि त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है बच्चों, समबाहु त्रिभुज है, इसलिए कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर 180/3 अर्थात 60 अंश के होंगे। क्यों? क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण किसी त्रिभुज में बराबर होते हैं, तो 60-60 अंश के होंगे। अब त्रिभुज ADB, इसको नाम दे देंगे बच्चों ADB और त्रिभुज ADC, ADB और ADC में चलेंगे हम, त्रिभुज ADB व त्रिभुज ADC में। ADB बराबर कोण ADC, क्योंकि प्रत्येक क्या है बच्चों, समकोण है, प्रत्येक कोण समकोण है, इसलिए दोनों बराबर होंगे। कोण B बराबर कोण C होगा, इसलिए त्रिभुज ADB समरूप होगा त्रिभुज ADC के, त्रिभुज ADB समरूप होगा त्रिभुज ADC के। कोण कोण समरूपता से है ये, कोण समरूपता से AA सिमिलरिटी से। BD बराबर हो जाएगा DC, BD बराबर DC बराबर BC/2, और इसकी भुजा का माप है 2A, तो 2A/2 अर्थात हो जाएगा A, क्योंकि 2 और 2 कट जाएगा। त्रिभुज ADB में पाइथागोरस प्रमेय से, कौन से प्रमेय से बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय क्या है भाई, कर्ण का वर्ग अर्थात AB का वर्ग बराबर लंब का वर्ग AD का वर्ग धन आधार का वर्ग अर्थात BD का वर्ग। AB का मान 2A दिया हुआ है बच्चों, 2A का वर्ग बराबर हो जाएगा AD का वर्ग, जो हमको ज्ञात नहीं है, BD अभी आपने ज्ञात किया है, A का वर्ग हो जाएगा। AD का वर्ग पक्षांतर कर देंगे, 2A का वर्ग मतलब 4A का वर्ग हो जाएगा, AD वर्ग बराबर हो जाएगा 2 × 2 = 4, 4A² - 1² 4A में 1 घटा देंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा 3A² और 3A² A² है इसलिए कैंडी से बाहर आ जाएगा, यहाँ पर A² कैंडी से बाहर आ जाएगा अर्थात A√3 हो जाएगा, A√3 इकाई, अर्थात सभी शीर्षलंबों की लंबाइयाँ कितनी होगी, A√3 इकाई होगी, और ये हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है बच्चों, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण C बराबर 90 अंश, सिद्ध कीजिए AB² बराबर 2AC² एक बार और सुन लेंगे बच्चों प्रश्न को, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण C बराबर 90 अंश है, सिद्ध कीजिए कि AB² बराबर 2AC². प्रश्न में दिया है बच्चों, दिया है त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जहाँ कोण C बराबर 90 अंश, जैसा कि आप आकृति में देख पा रहे हैं, ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है बच्चों, जहाँ कोण C 90 अंश है। सिद्ध करना है हमको, क्या सिद्ध करना है प्रश्नानुसार, सिद्ध करना है AB² इक्वल 2AC² ये हमको सिद्ध करना है। चूँकि त्रिभुज ACB समकोण समद्विबाहु है, समकोण समद्विबाहु है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, इसलिए भुजाएं AC और BC आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, इसे हम समीकरण पहला मान लेते हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है बच्चों, कर्ण का वर्ग अर्थात ए बी का स्क्वायर, लंब का वर्ग अर्थात ए सी का स्क्वायर और आधार का वर्ग अर्थात बी सी का स्क्वायर। अभी आपने देखा समीकरण पहले में कि ए सी और बी सी आपस में समान है, तो ए सी और बी सी जब समान है और हमको टू ए सी स्क्वायर सिद्ध करना है तो बी सी की जगह हम क्या रख देंगे, ए सी रख देंगे। ए बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ये हो गया हमारा समीकरण एक से, समीकरण एक से ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर जोड़ेंगे तो टू ए सी स्क्वायर हमको मिल जाएगा और हमको यही सिद्ध करना था। तो इस तरह से हमारा सवाल सिद्ध हो गया बच्चों। अगला प्रश्न है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:9 है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। एक बार और सुन लीजिए बच्चों, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:9 है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। बच्चों प्रश्न में दिया है समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दिया हुआ है 25:9, ये प्रश्न में दिया हुआ है। इसलिए उनकी संगत भुजाओं का अनुपात, अब संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, इनका हम वर्गमूल निकाल देंगे बच्चों। कर्णी 25 कर्णी 9, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है और 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा 5:3। ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। इस प्रश्न के साथ ही भाग 5 ही समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल में यदि आप नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बच्चों फिर मिलेंगे एक नए अध्याय में एक नए प्रश्नावली के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।